गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 8 मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयंस। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे पहले बोला था, पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हम आयंस इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो आयंस पढ़ने से पहले मैंने जो आपको पिछला वीडियो में जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बारे में, वैलेंसी बताई थी मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, ठीक है ना, तो वो सब आपको पूरा क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वो लेक्चर देख लिया होगा, तब आप इस लेक्चर पे मूव कर रहे हैं। ठीक है फादर, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयंस के बारे में। तो आयंस को समझने से पहले बेसिक हमको ये समझना होगा कि शेल्स क्या होते हैं। ठीक है, शेल्स के बारे में पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा हमको ब्रीफ में आइडिया लेना हो, तब हम जाके हम आयंस को बेसिकली अच्छे से समझ पाएंगे। तब पता चलेगा कि शेल में मैक्सिमम नंबर कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं। ठीक है ना, K में कितना आता है, L में कितना आता है, M में कितना आता है, वो कैसे पता चलेगा, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं थोड़ा सा और ब्रीफिंग दूंगा उसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। फिर देन हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे, दो तरह के आयंस होते हैं, कैटायंस और एनायंस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम वीडियो अपना आज का कंप्लीट करके स्टॉप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखिए, आप लोग जब क्लास 9th में जाइएगा तब ये आपको पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूं इसमें। देखिए, E इज इक्वल टू 2n स्क्वायर होता है। ठीक है ना, E इज इक्वल टू क्या होता है, 2n स्क्वायर। ठीक है ना, अब n यहां पे क्या होता है, n होता है यहां पे आपका नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, n क्या होता है आपका नंबर ऑफ शेल्स होता है। देखिए, अगर मैं यहां पे n की वैल्यू 1 लेता हूं तो e की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2 आएगी। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, केशल। ठीक है, अब मैं अगर n की वैल्यू 2 लेता हूं तो e की वैल्यू कितनी आएगी, e की वैल्यू आएगी आपका 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 8। ये हो गया आपका L शेल। ठीक है, और मैं अगर हम यहां पे N की वैल्यू मैं अगर 3 लेता हूं तो E की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 18। ये हो गया आपका M शेल। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका शेल्स हो गए। ठीक है, अब देखिए, देखिए n बराबर मैंने जो 1 लिया है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये k शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, k शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैं आगे आपको क्लियर करता हूं। तो मैंने e is equal to 2, 1 का स्क्वायर 2 पुट किया, तो e मतलब, e is equal to 2 मतलब k शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं। उसी तरह n is equal to 2 का मतलब क्या हुआ, 2 मतलब ये l शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पे k जो शेल था वो n इक्वल टू 1 यानी पहला शेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए हमने पहले शेल को k रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अब n इक्वल टू 2 है इसका मतलब वो दूसरे शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हम उसको l से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर n इक्वल टू 3 लेता हूं इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको m शेल को, तीसरा शेल यानी m शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, 18, मैंने आपको बता दिया 2 into 3 का स्क्वायर इक्वल टू 18। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करते हैं, आपको बस इतना आपको आइडिया होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट। देखिए अभी हमने e इक्वल टू 2n स्क्वायर वाला मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। ठीक है ना, शेल वाला। अब हम थोड़ा ब्रीफिंग ले रहे हैं इसके बारे में, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमने k एलिमेंट शेल को क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है ना, इसी जो मैं आपको पिछले वाले वीडियो में क्लियर किया था। तो देखिए किस किस तरह से हम लोग KLM शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ इसमें एलिमेंट्स के बारे में। पिछला वाला वीडियो थोड़ा सा धुंधला हो गया था, बढ़िया से आ नहीं पाया था, तो उसके हिसाब से मैंने आपको ये पूरा सिस्टम के हिसाब से लिख दिया है। कुछ कुछ एलिमेंट्स लिए हैं मैंने, बेसिक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लिए हैं, उसके हिसाब से मैं आपको आइडिया देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, जो मैंने आपको बताया था मेटल की कैटेगरी में आता है, ग्रुप नंबर 1 में। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 होता है। के में कितना फिल होगा इलेक्ट्रॉन, केवल 1 ही होगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए,
नेक्स्ट एलिमेंट है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो के में कितना जाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम मैंने बताया था के में कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 ही होगा, आगे जाने का तो संभावना ही नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, तो के में कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका, तो आगे हम बढ़ेंगे नहीं। अब हम बात करते हैं लिथियम की, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, के में कितना जा सकता है 2, ठीक है, 3 में से 2 गए कितना बचा 1, यानी एल में कितना जाएगा 1, लेकिन जाना कितना चाहिए था 8, कैपेसिटी 8 की थी। देखिए जैसे मैंने लिथियम के बारे में आपको बताया था, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, यानी के में मैक्सिमम कितना जा सकता है 2, एल में जाने के लिए कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8, लेकिन जा कितना सकता है, कितने पास उसके पास बचे हुए 1, तो 1 जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, ठीक है ना, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, तो कैसे फिल करेंगे 2, इसमें के में कंप्लीटली फिल्ड हो गया, अब 8 में से 2 को माइनस कीजिए कितना बचा 6, तो इसमें कितना जाएगा 6 जाएगा, ज्यादा कितना चाहिए था 8, लेकिन अवेलेबल कितना है 6, ठीक है। अब देखिए नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, के में कितना जाएगा 2, एल में कितना जाएगा 80 चला जाएगा, फिल हो गया ना 8 प्लस 2 10 कंप्लीटली फिल्ड है। अब देखिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, के में कितना जाएगा मैक्सिमम जाने की संख्या कितनी है 2, मैंने आपको बताया के में मैक्सिमम कितना जा सकता है 2, और एल में कितना जाएगा 8 जाएगा, 8 प्लस 2 10, हमको 11 पूरा करना है, अब बचा 1, तो एम में कितना चला जाएगा 1, यानी एम में होता कितना है 18, अवेलेबल कितना है 1। अब देखिए मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, के में कितना जाएगा 2, एल में कितना जाएगा 8, कंप्लीटली फिल्ड, अब 8 प्लस 2 10, बचा कितना 2, तो एम में कितना जाएगा 2 जाएगा, ठीक है, लेकिन जाना कितना चाहिए था 18, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन अवेलेबल कितना है हमारे पास 2 है। अब हम बात करते हैं आर्गन की, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो 2 8 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 8 18, देखिए के में कितना गया मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, एल में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 8 से ज्यादा जाएगा नहीं क्योंकि एल की कैपेसिटी कितनी होती है 8, मैंने आपको अभी बताया था, एम में कितना जा सकता है, एम में 18 जा सकता है, लेकिन कैपेसिटी अवेलेबल कितना है 8, तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, तो 2 8 8, ये हो गया हमारा आर्गन का केस, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोटेशियम की, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, या 19 लिखा हुआ है, 2 8 8 1, ठीक है ना। देखिए पोटेशियम और कैल्शियम का केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, देखिए के में कितना जा सकता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितना जा सकता है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, एम में कितना जा सकता है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप बोलिएगा कि सर इसमें 8 गया फिर आपने इसमें 1 क्यों पुट कर दिया, तो वैलेंस शेल में हमेशा याद रखिए वैलेंस शेल में हमेशा केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही एकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसके बाद हमने एन शेल में फिल कर दिया इसको, तो इसका डिस्कशन जो होगा डिटेल होगा वो मैं आपको क्लास 9th एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा, तो आपको बस अभी इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 20, के में कितना जाएगा मैक्सिमम 2, एल में 8, इसमें 8 और इसमें 2 जाएगा, 2 8 8 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रीफली डिस्कशन अबाउट एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स एंड ईसी, ये मैं आपको लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं ईसी, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेल्स, के एल एम एन शेल्स, ठीक है। तो ये हमारा ब्रीफली डिस्कशन हो गया, देन हम अब आयंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेन हमारा फोकस किस पे होगा, मेन फोकस होगा, बस मैं आपको फोकस बता रहा हूं उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं। देखिए जैसे कि मैं मेटल का अगर एग्जांपल लूंगा, मैं अगर मेटल का एग्जांपल लूंगा, जैसे मैं मान लेता हूं सोडियम का एग्जांपल लेता हूं, तो सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, उसी तरह से मैग्नीशियम पे 2+ होता है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम पे कितना होता है 3+ होता है, तो ये प्लस 2+ ये 3+ आया कहां से, तो इसके बारे में हम लोग अभी ब्रीफली डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना, ये प्लस चार्ज कहां से आया, 2+ कैसे आया, 3+ कैसे आया, तो उसके बारे में हम ब्रीफली अभी
डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूं। देखिए, अब मैं सोडियम मेटल का एक एग्जांपल लेके बताता हूं। सोडियम किस में आता है? मेटल में आता है, ग्रुप नंबर 1 में आता है। मैंने आपको बताया था हलीना के रब से फरियाद, सोडियम आता है उसमें। तो मैं भी सोडियम का एग्जांपल लेके बताता हूं। उससे पहले मैं थोड़ा आपको एक ब्रीफ बता देता हूं कि एटम के पास क्या होता है। एन एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए, एटम के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है, जब हम क्लास 9 में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? बस आपको भी ध्यान रखना है, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं सोडियम का। ठीक है, देखिए, ये रहा आपका सोडियम, ठीक है ना, 11, जेड बराबर 11। जेड को मैं क्या बोलता हूं? जेड को मैं यहां पे बोलूंगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, देखिए इसका ईसी कितना होता है? ईसी मैंने आपको भी बताया था, ईसी होता है इसका 2.8.1। ये आपको बताया था मैंने, केशल होता है, ये एल होता है, और ये एम होता है। ठीक है, अब देखिए, ये सोडियम का मैंने एक एटम लिया है, सोडियम का एक एटम लिया है। ये अभी कैसा है? अभी ये न्यूट्रल इन नेचर में है। कैसे न्यूट्रल इन नेचर में है? देखिए, इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें? प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। टोटल प्रोटॉन कितने हैं? 8 + 2 + 1 = 11। प्लस 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? माइनस का 11। माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए मैंने माइनस लगाया। कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा? 0। यानी नेट चार्ज कितना आ गया इसका? 0 आ गया। अब देखिए, अब सोडियम Na प्लस कब बनाएगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? लूज कर दे। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा? क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, क्यों ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा? क्योंकि ये स्टेबल होना चाहेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तभी तो ये स्टेबल होगा, तभी ये आसानी से क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तभी ये क्या बनाएगा? Na प्लस आयन बनाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया था कि M में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, L में 8 और 1 इलेक्ट्रॉन M शेल में। अब देखिए, इसके पास M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तभी ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना जाएगा? 2.8, यानी 8, यानी ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो स्टेबलाइज होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब भी एटम इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, लूज करता है तो उस पर चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव। जब भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर चार्ज कैसा आता है? नेगेटिव। ये आपको ध्यान में रखना, ये मैंने आपको नोट बता दिया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? Na प्लस का आ जाएगा। अब देखिए, Na प्लस का आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स ही रहते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? प्लस का 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने, तो कितना हो गया? 8 + 2, यानी माइनस का 10। 11 में से 10 गया, कितना बचा? प्लस का 1। ये आपका हो गया
नेट चार्ज, ठीक है, इसलिए Na पे प्लस वन का चार्ज होता है। अब देखिए इसको थोड़ा शेल से समझते हैं। अभी Na के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2.8.1, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया आपका K शेल, ये हो गया आपका L शेल और ये हो गया आपका M शेल। K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन। L में कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और M में 1 इलेक्ट्रॉन। यही क्या कर दिया, लूज कर दिया, क्यों, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था। अब देखिए यहां Na प्लस की बात करते हैं, ये हो गया न्यूक्लियस, के शेल, ये हो गया आपका एल शेल और ये हो गया आपका एम शेल। के में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, एल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एम नहीं होगा, ठीक है ना, मैंने बना दिया, एम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कितना बना देगा, इसका ईसी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2.8 हो जाएगा, यानी एम में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है ना, एन ए प्लस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है और इस तरह से शेल हमको बनाने हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है शेल को, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था, 2.8.1। देखिए ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कौन रहता है, इसमें रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये जो मैंने शेल बताया था इसमें कौन रिवॉल्व करता है, डेफिनेट पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट एनर्जी लेवल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेफिनेट एनर्जी लेवल, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। इस तरह से हमारा सोडियम का हमने पूरा डिस्क्राइब जान लिया कि सोडियम पे Na प्लस क्यों होता है, प्लस वन चार्ज क्यों होता है, वो मैं आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। इसके बाद हम लेते हैं कैटायन और उसके बाद हम लेते हैं एनायन, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको जितना पढ़ा दिया है ना, जितना अभी तक मैंने पढ़ा दिया पिछले वीडियो में, चाहे इस वीडियो में अभी तक जितना पढ़ा दिया, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी पे आप नोट कीजिए, उसको बढ़िया से आप लिखिए, उसको समझिए एक एक चीज को। जैसे मैंने आपको बताया था इज इक्वल टू 2n² के बारे में, तो उसको पूरा समझिए, कैसे कैसे मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया, उसको पूरा फंडामेंटल उसका जानिए, एक एक चीज समझिए। देन आप, मैंने एलिमेंट्स के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको शेल्स के बारे में बताया, अभी जैसे मैंने शेल को एक्सप्लेन किया थोड़ा, तो इस सब के बारे में आपको वीडियो को बार बार देखना है, समझना है, ठीक है ना, और पिछला वाला वीडियो को भी आपको कंप्लीट करना है। देन हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में हम लोग कैटायन और एनायन, ठीक है, स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा कैसे कैसे उसको करना है, ठीक है, थैंक यू।